निर्देशन को कहा जाता है जिसमें समग्र की सभी इकाइयों के चुने जाने के या चुनने के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। असंभाव्य या गैर प्रायिकता निर्देशन के 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार सुविधाजनक निर्देशन, दूसरा कोटा निर्देशन, तीसरा उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, चौथा स्वयं निर्वाचित निर्देशन और पांचवा और अंतिम हिमगेंद या स्नोबॉल निर्देशन। तो जो पहला निर्देशन है वह होता है सुविधाजनक निर्देशन। यानी सुविधाजनक निर्देशन में अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार निर्देशन की इकाइयों का चयन समग्र में से करता है। सुविधाजनक निर्देशन में जो अनुसंधान करता है उन सभी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए चुन लेता है जो उसे आसानी से या सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे अगर अनुसंधानकर्ता को टेलीविज़न पर प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में लोगों के विचारों को जानना है तो उनके लिए जब वह अनुसंधान क्षेत्र में जाता है तो उसे जो आसानी से मिलते हैं उनको वह शामिल कर लेता है। दूसरा है कोटा या अभ्यंश निर्देशन। कोटा निर्देशन में समग्र को कई स्तरों में गुण विशेष के आधार पर बांट लिया जाता है और ये समान रूप में नहीं होते हैं। कोटा निर्देशन में हर स्तर पर स्त्री देव निर्देशन जैसी इकाइयों का चयन करके निर्देशन का निर्माण किया जाता है, परंतु कोटा और स्त्री निर्देशन में अंतर ये होता है कि कोटा में जो स्त्री निर्देशन है उसमें देव पद्धति काम मिली जाती है और कोटा में देव आधार पर नहीं होता है बल्कि अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर होता है कि निर्देशन में कौन सी इकाइयाँ चुनी जानी है। तीसरा निर्देशन का प्रकार है वह है उद्देश्यपूर्ण निर्देशन। यानी उद्देश्यपूर्ण निर्देशन वह होता है जब अनुसंधानकर्ता के सामने कोई विशेष उद्देश्य प्राप्त करने के लिए होता है और उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए वह उद्देश्यपूर्ण निर्देशन पद्धति का प्रयोग करता है। उद्देश्यपूर्ण निर्देशन में अनुसंधानकर्ता समग्र में से ऐसी इकाइयों का चुनाव करता है जिसे वह पहले से जानता है एवं उन इकाइयों से निर्मित निर्देशन से अपनी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति करता है। जैसे किसी महाविद्यालय में धूम्रपान करने वाले विद्यार्थियों का अध्ययन करना है। चौथा प्रकार है स्वयं निर्वाचित निर्देशन। जब हमें संबंधित व्यक्ति जिनका हमें अध्ययन करना है अथवा जो सूचना दाता है वे स्वयं अपना नाम आकर निर्देशन की इकाइयां बन जाते हैं और अनुसंधानकर्ता को उनका चुनाव नहीं करना पड़ता तो उसे स्वयं निर्वाचित निर्देशन कहते हैं। जैसे सड़क पर चलते हुए किसी राहगीर से अपने अध्ययन से संबंधित सूचनाएँ एकत्रित करना। और गैर प्रायिकता या असंभाव्य निर्देशन का अंतिम प्रकार है हिमगेंद या स्नोबॉल। हिमगेंद या स्नोबॉल पद्धति में अनुसंधानकर्ता अपना अध्ययन उन लोगों से शुरू करता है जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है कि ये लोग वे विशिष्ट विशेषताएं रखते हैं जिनका वह अध्ययन करने जा रहा है। हिमगेंद या स्नोबॉल विधि में एक से दूसरे के बारे में, दूसरे से तीसरे तथा अन्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और यह क्रम आगे चलता रहता है। जैसे किसी घटना के बारे में पुलिस द्वारा आवश्यक जानकारी जुटाने की प्रक्रिया। धन्यवाद।